हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप पता करना चाहते हैं कि हमारे आधार कार्ड से कितनी सिम खुली हैं और कितने लोगों के नाम से सिम खुली हैं तो कैसे पता करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी, आपको यहाँ पर वो डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट का, तो आपको वहाँ वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से जितने भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे तो उनकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा मोबाइल नंबर है वो कौन सा है, और जो आपके अनयूज्ड मोबाइल नंबर होंगे तो आप उनको वहाँ से ब्लॉक भी करवा सकते हैं। आपको वहाँ से उनकी रिक्वेस्ट सबमिट कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपके अनयूज्ड मोबाइल नंबर होंगे आप उनको वहाँ से बंद करने की रिक्वेस्ट भी सबमिट कर सकते हैं, तो जो आपके अनयूज्ड मोबाइल नंबर होंगे वो वहाँ से बंद भी हो जाएंगे। दोस्तों, हम बता दें कि ये सर्विस केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप इस सर्विस का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इस जगह पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है करेंटली दिस फैकल्टी इज अवेलेबल ओनली टू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश कंज्यूमर्स। तो ये वेबसाइट केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए है, ये जल्द ही अदर स्टेट के लिए जारी हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना।